हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज हम आए हैं क्राफ्ट मेला, तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट वीडियो को। यहाँ पे एंट्री करते सूट की शॉप थी और यहाँ पे रेडीमेड सूट भी थे और स्टिच भी थे, अनस्टिच भी थे। काफ़ी सारी वैरायटीज थी और काफ़ी सारे स्टॉल थे सूट के। ये साड़ी का है, काफ़ी सारी वैरायटीज थी साड़ी की और यहाँ पे भी साड़ी है और जूते भी थी यहाँ पे। उसके बाद ये हैंडलूम की है, ये सारी चीज़ थी, भागलपुरी सिल्क साड़ी फैब्रिक। ये फिर से रेडीमेड सूट और अनस्टिच सूट आ गए। यहाँ पे बैंगल्स थे, काफ़ी सारी वैरायटीज थी बैंगल्स की, सिर्फ 100 रुपीज़ और 120 रुपीज़ की। ये वाला कितने का? कितने का है ये वाला? साइज मेरा दिखाना एक बार मेरा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कुशन्स थे, कुशन कवर्स थे और ये फिर से यहाँ पे चुन्नी थी और साड़ी भी थी। ये रेडीमेड सूट थे यहाँ पे। सूट की वैरायटीज बहुत थी, चुन्नी भी थी और साड़ी की भी, हर तरह की साड़ी थी। सारी जगह से इकट्ठा होके यहाँ पे लग रहा था कि मतलब सारी जगह की अलग अलग टाइप्स की वैरायटीज़ हैं साड़ीज़ की। ये बेडशीट्स थी यहाँ पे। मतलब क्लोथ्स का ज़्यादा देखने को मिला। ये जूती थी और अभी तो काफ़ी सारी सेल आउट भी हो गई थी, अभी कमी बची थी लेकिन अच्छी थी, वैरायटीज काफ़ी सारी थी। क्या प्राइस है? ये 500 की मैडम। कितने साल के? 2 साल के ना? नहीं, 7 इयर्स। अब आगे चलते हैं। ये फिर से सूट का आ गया, आगे साड़ी का आ गया और यहाँ पे भी साड़ी है, चुन्नी है, यहाँ पे बैग्स थे। ये तमिलनाडु की वैरायटीज थी यहाँ पे सारी। यहाँ पे पौंडीचेरी का था हैंडलूम, ये बेडशीट्स थी यहाँ पे, जूती की सिर्फ एक या दो स्टॉल थे पर उनमें वैरायटीज काफी थी और रीजनेबल प्राइस में भी थे। यहाँ पे भी कुर्ती हैं, चुन्नी है, अलग अलग जगह की। ये व्हाइट वाला उन्होंने बोला था 900 का और ये जो सामने डिफरेंट कलर्स के हैं ये 899 या 850 कुछ ऐसे ही था। ये कश्मीरी के स्टॉल थे यहाँ पे। विंटर का भी था, समर का भी था, दोनों का था। ये वाले भी अच्छे थे काफी। बैग्स की भी थी, बैग्स के भी एक या दो स्टॉल शायद से थे। यहाँ पे पापड़ वगैरह था डिफरेंट टाइप्स का। ये बच्चों के टॉयज थे और यहाँ पे ज्वेलरी थी।
ये कुछ मंदिर के मंदिर का सामान था यहाँ पे, काफी अच्छा था, काफी वैरायटीज भी थी इसमें। ब्रास के बने हुए हैं स्पेशली ये सारे, और काफी सुंदर दिख रहे थे। सारा ब्रास वर्क है, ब्रास पे कढ़ाई और वो डेकोरेशन कलर कर रखा है। यहाँ पे फिर से कॉस्मेटिक की शॉप आ गई। यहाँ पे ये फिर कपड़े की आ गई, कपड़े की ज्यादा वैरायटीज थी वहां पे, बेडशीट्स भी थी। ये फिर से ज्वेलरी शॉप आ गई, यहाँ पे भी काफी सारी इयर रिंग्स थे, वैरायटीज थी काफी सारी इयर रिंग्स की। और नेक पीस भी थे, हैवी वाले भी थे और लाइट भी थे। प्राइस भी ज्यादा महंगा नहीं था, 200, 250, 300 तक थे। यहाँ पे फोन कवर थे, फोन कवर में मैं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा वैरायटीज नहीं थी, ठीक थे मतलब। यहाँ पे ये फिर से नेकलेस पीस आ गई। इन सभी नेक पीस का प्राइस 150 था, कोई भी लो, कितना ही छोटा कितना ही बड़ा मतलब कितना ही हैवी और कितना ही लाइट आप ले सकते हो, सब 150 में था। ये फिर से फुटवेयर का आ गया, फुटवेयर में भी काफ़ी सारी वैरायटीज थी, 3 से 4 स्टॉल थे आई थिंक फुटवेयर के, ये बच्चों के खेलने का टॉय शॉप। आगे चल के देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे सोफे थे, ये फिर से क्लोथ का आ गया, ये बैग का आ गया। इस ज्वेलरी शॉप पे भी 100 का और 150 या 200 तक के बैंगल्स थे। ये टॉय शॉप, और ये अब हम बाहर आ गए हैं। यहाँ पे हर चीज मतलब इस स्टॉल से कुछ भी लोगे वो 10 रुपीज में मिलेगा, कुछ भी ले लो। ये होममेड पिकल, इस स्टॉल पे भी कुछ भी लो आप, सिर्फ 10 रुपीज का है। ये भी ऐसा कर रहा है।
कौन सी क्लास में बेटा? है पांचवी। कौन से स्कूल में? बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, अगर अपने बच्चों को लेके आए तो बहुत इंजॉय करेंगे बच्चे। बहुत काफी सारे झूले हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। यहाँ पे ये सारा मिट्टी का सामान है ए टू जेड, और काफी सारे वैरायटीज भी, और बहुत सुंदर भी था। भैया ये कितने का है? एज यूजुअल हम बार्गेनिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, बार्गेनिंग करके काफ़ी कम तो नहीं करते हैं, पर हाँ थोड़ा बहुत कम कर देते हैं। बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए बस, बार्गेनिंग करके हम ले सकते हैं जो रेट भी है, जो भी हमें ठीक लग रहा है, जितना उन्होंने बोला है उससे। और कोई सब लेना है? कुछ है ये चीनी मिट्टी के थे, ये भी काफी सुंदर लग रहे थे, और काफी वैरायटीज भी रखती थी इनके पास। ये सारा चीनी मिट्टी का है। क्रोकरी से काफी, यहाँ पे भी काफी सारी वैरायटीज थी क्रोशिया वर्क की। काफ़ी सारे स्टॉल थे यहाँ पे भी, अलग अलग स्टॉल थे, लेकिन क्रोशिया वर्क का भी था यहाँ पे, बहुत सुंदर था, और वो काफ़ी सारी वैरायटीज थी। ये सारा क्रोशिया वर्क का है, ये फिर से बैंगल्स का आ गया, और यहाँ पे इन बैंगल्स के रेट थे 40 रुपीज़, चार मतलब फोर बैंगल्स का पेयर 40 रुपीज़ में। ये सारा क्रोशिया वर्क है। ये यहाँ पे एक्यूप्रेशर का था, और यहाँ पे ये सेट थे, यहाँ पे ये सेट भी 150 रुपीज के ही थे सारे। काफी सारी वैरायटीज थी इनकी भी। ये खट्टे मीठे कैंडीज, ये एक्यूप्रेशर का था। एक्यूप्रेशर का तो नॉर्मल ही होता है, हाथों के लिए हो जाएगा और पैरों के लिए हो जाएगा बस, और तो कुछ इतना नहीं होता। ये सारा लकड़ी का वर्क था। ये फिर से क्लोथ्स का आ गया, यहाँ पे फिर से ज्वेलरी आ गई। ये ज्वेलरी भी 100 से 200 के बीच की थी। ये बैग्स का आ गया, अलग अलग टाइप की बुक्स थी यहाँ पे, और स्टोरीज बुक्स भी थी। 40 भी थी यहाँ पे। ये फिर से सेट नेक पीस आ गए, इयररिंग्स भी हैं यहाँ पे। ये बच्चों के टॉयज, बच्चों के टॉयज की भी आई गेस एक या मतलब दो स्टॉल थे, दो
एक अंदर था और एक वैसे जो हवा वाले होते हैं वो थे, और एक ये था, मतलब तीन स्टॉल थे बच्चों के टॉयज के। बैंगल्स भी काफी सारे स्टॉल थे बैंगल्स के, काफी वैरायटीज थी सब पे। बच्चों की खुशी ही अलग होती है, बच्चों को देख के इतना मन खुश होता है। यहाँ पे स्टिकर्स थे, स्टेशनरी का था यहाँ पे, और ये किचन के। कटर थे वहाँ पे किचन के लिए, यह बम्बार आ गए हैं। और यहाँ पे काफी सारे खाने पीने के स्टॉल थे और झूले थे। वेट कम नहीं होगा आइसक्रीम खाने से, नहीं मिलेगी। मक्खी चूस, एक आइसक्रीम में क्या जाएगा आपका आइसक्रीम? अब हम करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे ही खत्म। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।